Hello everyone, if according to you you have scored too bad in the prelims or finding the cutoff confusing or feeling low, then I just want to tell you that you are just absolutely feeling normal, okay? Because everyone is feeling the same right now. पेपर वॉज टफ फॉर एवरी वन पेपर वॉज अनएक्सपेक्टेड फॉर एवरी वन एंड द कट ऑफ्स एवरी इंस्टीट्यूट हैज़ बीन सीन अबाउट इट्स दैट कट ऑफ आर ओनली प्रडिक्शंस नो वन कैन श्योरली सी दैट हाँ दिस इज गोइंग टू बट ऑफ फाइनल कट ऑफ नो वन इज गिस ठीक है और इंस्टीट्यूट्स वाले तो हैं कि एट लास्ट जब उनके अकॉर्डिंग कट ऑफ नहीं होगा तो दे विल चेंज अकॉर्डिंगली कि हाँ हम तो हमें तो फील हुआ था बट ऐसा एंड ऐसा वट एवर और एक और रीज़न मैं बता दूँ कि वाई कोचिंग इंस्टीट्यूट आर टेलिंग लेस एंड लेस कट ऑफ इज जस्ट टू सेल देयर टेस्ट सीरीज एंड वॉन्ट टू इनरोल द कैंडिडेट्स इन देयर इंस्टीट्यूट दिस इज़ जस्ट द रीजन सो आई एम नॉट गोन इन दैट टॉपिक इन दिस वीडियो आई एम जस्ट गोन अ टेल यू दैट इफ़ यू आर फीलिंग एनी ऑफ दिस थिंग्स दैन दिस वीडियो इज गोइंग टू एट द एंड टिल द एंड सॉरी बिकॉज दिस वॉज ये वीडियो ना मैं खुद के लिए बना रही थी कि मैं क्या करने वाली हूँ इन कुछ दिनों में और अभी के सिचुएशन uh, में तो सोचा आप लोगों से भी शेयर करूँ हाउ कुड आई नॉट शेयर दिस विद माई एट हंड्रेड पीपल वाली फैमिली सो दिस इज़ फॉर यू बिफोर गोइंग टू एनी बिफोर डूइंग एनी थिंग राइट नाउ यू शूड गेव टू थ्री थिंग्स इन माइंड दैट ओनली फोर मंथ इज लेफ्ट फॉर मेन्स टेंटेटिव डेट क्या है जुलाई टू अगस्त सो वी आर काउंटिंग टिल जुलाई ओनली अप्रैल मई जून जुलाई फोर मंथ्स वी आर लेफ्ट विथ फॉर मेन्स और उस फोर मंथ्स के क्रूशियल टाइम में इफ यू आर लूजिंग द वन मंथ इन कट ऑफ वाले डिस्कशन गेम्स में तो दिस गोइंग टू बी अज लॉस फॉर एवरीबडी हुई इज़ इंडल्जिंग इन दिस दिस काइंड ऑफ डिस्कशंस बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे क्या होने वाला है कट ऑफ कोई डिसाइड नहीं कर सकता ठीक है कितना ही कोई लॉजिक लगा ले वो ए पी एस सी ही डिसाइड करेगी एट लास्ट ए पी एस सी का फाइनल कॉल होगा ठीक है और ये मंथ जो वन मंथ है ना वो मेक और ब्रेक वाला टाइम है बिकॉज इफ़ यू यूटिलाइज इट प्रॉपरली तो आप अपनी करियर को आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं लाइक मेकिंग योर गोल एंड इफ यू आर लूजिंग दिस टाइम देन यू आर ब्रेकिंग दिस बिकॉज मोस्ट ऑफ़ द पीपल यही कर रहे हैं लेकिन जो सीरियस एस्पिरेंट है ना वो इनमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे वो अपने काम में लग जाएंगे और वो क्या करेंगे इसको हम आगे वाले स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊँगी भी क्योंकि देखो ये मेन्स क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेन्स इज़ द अल्टीमेट गेम आपको प्रिलिम्स में टॉप नहीं करना है आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करके कोई एक ना कुछ अवार्ड मिलेगा ना कोई टैग मिलेगा ना कोई मतलब यू नो प्रेसिडेंट तो ना पद्मा अवार्ड देंगे ना भारत रत्न तो मिले मिलने वाला है कुछ नहीं मिलने वाला है तो अल्टीमेट गेम क्या है

यही करना है जो कि बहुत सारे ग्रुप्स में हो रही है मैंने भी एक दो ग्रुप्स ज्वाइन किए हैं तो वहाँ पे भी, भी वही चल रहा है एंड आई एम लाइक ओके ख़त्म करो तो इससे क्या होने वाला है कि आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा ठीक है स्ट्रेस लेवल तो बढ़ेगा ही उसके बाद आपका जो क्रूशियल टाइम है वो वेस्ट होगा उसके बाद आप जो इजी डिस्कशंस में रहोगे ना तो आपका जो स्टडीज से जो टच था अभी प्रीलिम्स के पहले काफ़ी पढ़ाई जो वी वे स्टडिंग लॉट तो वो टच विल बी लॉस्ट तो दिस इज़ गोइंग टू बी ऑल हार्म फॉर अस सो दिस ऑप्शन इज़ गोइंग टू बी वेरी यू नो वेस्ट ऑफ थिंग एंड आई नो मेनी पीपल आर डूइंग दिस राइट नाउ ओनली दिस थिंग्स आर नॉट गो नाट डू हम तो नहीं करेंगे भाई जो सीरियस है वो तो नहीं करेंगे ये नेक्स्ट ऑप्शन वी हैव इज दैट फिल्म वॉज टू बैड तो कुछ पीपल ऐसे भी होंगे ना जिनके लाइक फिल्म बहुत खराब था तो अब वी विल स्टार्ट प्रिपेरिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर फिल्म्स जो कि नेक्स्ट ईयर होगा ऑफकोर्स अभी से ये हम सर फिल्म्स के लिए स्पेसिफिक पढ़ेंगे ठीक है फिल्म स्पेसिफिक पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तो इसका नुकसान क्या होने वाला है कि प्रिपेयरिंग एंटायर ईयर ओनली फॉर प्रियम्स इज नॉ नेवर अ गुड आइडिया इनफैक्ट इट्स अ वेरी वेरी बैड आइडिया सिंस द गोल वी हैव इज़ नॉट टू टॉप इन द प्रियम्स वी नीड टू टॉप इन द फाइनल लिस्ट एंड वी नीड टू सिक्योर आवर नेम इन द फाइनल लिस्ट नॉट इन ओनली इन द प्रियम्स वाला लिस्ट ठीक है तो मीन्स है अल्टीमेट गेम तो उस पर फोकस ज़्यादा होना चाहिए फिलियम्स पर इंटायर करनी जिस फिलिम्स के 3 4 महीने पहले से प्रियम्स स्पेसिफिक पढ़ाई होनी चाहिए उसके पहले मीन्स की पढ़ाई होनी चाहिए तो ये सेकेंड तो, ऑप्शन ये भी uh, अच्छा नहीं है हमारे लिए तो इसको भी क्रॉस करते हैं ठीक है अब लास्ट ऑप्शन वी टू दैट वी हैव इज टेक रेस्ट फॉर टू थ्री डेज तीन चार दिन रेस्ट लेते हैं उसके बाद स्टार्ट मीन्स प्रिपरेशन लिविंग असाइड द फ्रूटलेस डिस्कसन्स ऑफ कट ऑफ एंड ऑल इसका बेनिफिट क्या होने वाला है कि इफ़ वी गेट सिलेक्टेड देन यू विल गेट एन एज ओवर अदर्स हु आर डिस्कसिंग द कट्स और हु आर वेस्टिंग दर टाइम तो उनके साथ आप जिन्होंने एक महीना वेस्ट किया आपने उस एक महीने को यूटिलाइज करके आप एक एज मिल जाएगा आप हमें अगर हम उसको यूटिलाइज करते हैं तो इन सिमिलर फैशन अगर हम बाई चांस चलो सिलेक्ट हो गया ना तो बहुत अच्छी बात है अगर फिर भी नहीं होते सिलेक्ट गॉड फॉर बेड बट अगर नहीं होता सिलेक्शन तो तभी भी वी आर इन अ विन विन सिचुएशन बिकॉज हमने क्या किया वन मंथ वी हैव यूटिलाइज इट ठीक है कुछ ना कुछ पढ़ाई की है मीन्स स्पेसिफिक और सिंस वी एवरी वन शुड नो एवरी सीरियस एस्पिडेंट नो दैट प्रिपेयरिंग फॉर द मीन्स इज़ द मोस्ट क्रूशल पार्ट ठीक है और वो मोस्ट एश्योर्ड वे ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड आप प्रिलियम्स स्पेसिफिक करो पढ़ाई करके रखे हो सिर्फ रट के रखे हो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो यू आर नॉट गोइंग टू यू आर गोइंग टू क्लियर द प्रीलिम्स बट नेवर गोना क्लियर द मीन्स और इस ईयर के प्रीलिम्स को देखने के बाद तो मीन्स स्पेसिफिक तैयारी और ज्यादा ज़रूरी है बिकॉज इन द क्वेश्चन देर आर कंसेपचुअल क्वेश्चन लाइक इन डेप्थ स्टडी इज रिक्वायर्ड आई वट आई फाउंड थ्रू द पेपर्स सो दिस इज वॉट आई वॉन्टेड टू टेल यू ऑल बिकॉज दो तीन दिन का रेस्ट लो आप लोग हाँ अगर किसी को क्लेम करना है कुछ क्वेश्चन तो उन सब में आप लोग क्लेम कर सकते हो बट कट ऑफ डिस्कशन में मत पड़ो यार बस पढ़ाई करो थोड़ा दिन रे, रेस्ट लेने के बाद पढ़ाई करो और उसके बाद बीहू आ रही है सामने तो उसको इन्जॉय करो बिकॉज वी हैव ऑल्सो इन्वाइटेड टू सम अंकल आंटी ने इन्वाइट किया तो वहाँ पर भी जाएंगे हम मैं भी बहुत इन्जॉय करने वाली हूँ इतना स्ट्रेस लेके कुछ नहीं होने वाला और सबसे पहली बात एक चीज़ और बोलूँगी कि पेपर वॉज टफ वेरी टफ वेरी अनएक्सपेक्टेड बट मैं कहीं ना कहीं खुश हूँ इसलिए भी कि अब सिंसियर स्टूडेंट विल गेट सिलेक्टेड नॉट ओनली द रटाफिकेशन वाले स्टूडेंट्स कि हाँ से फैक्ट्स पढ़ लिए और बस पेलियम्स निकल गया या फिर सिलेक्शन हो गया वैसा नहीं होगा तो अब सीरियस एक्सपीरियंस सिलेक्ट होंगे जो कि इट्स अल्टीमेटली गुड फॉर द स्टेट कि ब्यूरोक्रेट्स अच्छे बनेंगे और ब्यूरोक्रेट्स अगर अच्छी होगी तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होगा एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होगा तो अल्टीमेटली पब्लिक सर्विस अच्छी होगी और उसके थ्रू जनता को फ़ायदा मिलेगा और यही तो हमारा अल्टीमेट गोल है ना सो आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल टू यू थैंक्स फॉर वॉचिंग कीप लाइक शेयरिंग एंड सब्स इफ यू आर न्यू टू द चैनल डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स थैंक यू सो मच